इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप सोयाबीन। यह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक उबलते हुए पानी में इसे उबाल लेंगे ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में इसे 1-2 बार इस तरीके से चला देना है ताकि ये इक्वली चारों तरफ से अच्छी तरीके से सॉफ्ट होकर रेडी हो जाए। 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर खुले में ही उबालने के बाद अब यह बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। छान कर इसे ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे। सोयाबीन को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ है। यहाँ प्रेशर कुकर भी हल्का गर्म हो चुका है, तो चलिए प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 4 हरी इलायची, 1 बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग डालेंगे। जब ये सभी चीज़ें हल्का सा भुन जाए 2-3 सेकेंड तक भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा के अच्छी तरीके से क्रैकल होने के बाद डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च। साथ में डालेंगे 3/4 कप प्याज। जिस कप से मैंने सोयाबीन नापा था 1 कप, उसी कप के मेजरमेंट से मैंने 3/4 कप प्याज लिया हुआ है। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। प्याज को आधे मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन दरदरा कूटा हुआ। अब हम इन सभी चीज़ों को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम दूसरी तरफ की गैस को ऑन करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल को हम चारों तरफ फैला देंगे। तेल को चारों तरफ अच्छी तरीके से फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने सोयाबीन को उबाल के अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया था, उसे हम डालेंगे तेल के अंदर। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसे अच्छी तरीके से हम भून कर तैयार कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। जब तक प्याज और सोयाबीन भून रहा है तब तक हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस कर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कट कर लेंगे हम। टमाटर को कट करने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे और इसे एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। टमाटर को मैंने एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। यहाँ प्याज को भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन भून कर तैयार किया है। आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून फ्रेश कूटा हुआ काली मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। साथ में डाल देंगे हम इसमें पीसा हुआ टमाटर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून कर तैयार कर लेंगे। यहाँ सोयाबीन भी लाइट गोल्डन ब्राउन भून कर रेडी हो गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 कप भिगोया हुआ चना का दाल। मैंने 1 कप चना दाल को अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसे 2 घंटे तक पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं चना दाल को। चना दाल डालने के बाद हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर भून लेंगे ताकि चना दाल भी अच्छी तरीके से भून कर रेडी हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट भूनने के बाद अब ये सोयाबीन और चना दाल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इस चना दाल को हम डाल देंगे भुने हुए मसाला के अंदर। आप देख सकते हैं मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, इससे हल्का हल्का तेल छूटना शुरू हो गया है। तो अब हम इसी स्टेज पर डालेंगे भुना हुआ चना दाल और सोयाबीन। चना और सोयाबीन को डालने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को 1 मिनट तक और भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ताकि अच्छी तरीके से ये भून जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट भूनने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर गर्म किया हुआ उबला हुआ पानी। अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून गर्म मसाला, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे हम एक बार फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से अभी पानी डाल देंगे, बाद में पानी नहीं डालना है। जिस तरह की ग्रेवी रखनी हो उतना पानी डालकर इसे तैयार कर लेना है। बट अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे उतार कर साइड में रख देते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे एक तवा। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक हम पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने पहले से ही सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया था। आटा लगाने के लिए मैंने लिया था गेहूं का आटा, इसके अंदर डाला था नमक, अजवाइन और नॉर्मल पानी की सहायता से सॉफ्ट रोटी के जैसा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया था। तो चलिए मैंने एक गोला बना लिया, इसे इस तरीके से राउंड शेप बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बेलन की सहायता से बेलकर तैयार करेंगे। इसे इस तरीके से बेलने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी लगा सकते हैं, मैं इसके अंदर घी नहीं लगा रही हूँ। सिंपल तरीके से इसे थोड़े से घी के साथ बनाकर तैयार करूँगी। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसे दोबारा सूखे आटे से डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद हम इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पराठा बेलकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितना मोटा पराठा बेलकर रेडी किया है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। यहाँ तवा भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। जब ये एक साइड से मीडियम फ्लेम के ऊपर सेक जाए तब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे अलट पलट करते रहेंगे, चारों तरफ घुमाकर इसे कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। जब ये दूसरे साइड से भी हल्का सा कुक हो जाए तब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे चारों तरफ फैला देंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से घी डालेंगे, कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से दोनों तरफ कुक कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पराठा बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने कुछ पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ प्रेशर कुकर का सीटी भी अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे खोलकर सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसे एक बार चलाकर भी दिखा देते हैं चना दाल कुक हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं चना दाल बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जा रहा है, ये बहुत गर्म है अभी। तो चलिए अब हम इस सब्जी को और पराठा को सर्व करते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बना के जरूर ट्राई करेंगे, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सर्व करने के लिए सबसे पहले हम एक थाली लेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम नॉनवेज को टक्कर देने वाली चना दाल और सोयाबीन की सब्जी। साथ में डालेंगे हम फ्रेश दही, तिकोना पराठा, कच्चा प्याज, मिर्च का अचार। इस तरह मैंने नॉनवेज को टक्कर देने वाली चना दाल और सोयाबीन के सब्जी के साथ में तिकोना पराठा को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करें, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।